तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपेंडेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है, सक्षमता आधारित मूल्यांकन किसे कहते हैं। किसी बच्चे की के अंदर जो भी क्षमताएं हैं, उसकी जो कैपेसिटीज हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसके बेस्ड पर जो असेसमेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कंपेटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, जिसमें हम देखते हैं कि एक बच्चे की स्किल्स क्या है और उसकी कैपेसिटीज क्या है। तो कैपेसिटी प्लस स्किल, इन दोनों को मिलाकर जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपेटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। इसकी एक खासियत होती है कि इसमें जो इवैल्यूएशन करने वाला है, सपोज एक टीचर इवैल्यूएशन कर रहा है या कोई इवैल्यूएटर है, कोई भी मूल्यांकन करने वाला है, वो जब स्टूडेंट या चिल्ड्रन या जिसके साथ वो जिसका वो असेसमेंट कर रहा है, उसका जब असेसमेंट करता है, दोनों साथ मिलके काम करते हैं, जिसमें एक साथ मिलकर हम उसकी ज्यादा से ज्यादा जो उसके अंदर कैपेसिटीज हैं, जो उसके ज्यादा से ज्यादा योग्यताएं हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंपेटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। जैसे एक सेमेस्टर है ना, एक सेमेस्टर का एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि किसी बच्चे का एक 1 ईयर तक उसने स्टडी की, उसके बाद उसका सपोज टर्म एंड एग्जाम होता है या उसका कोई सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसकी कोई परीक्षा होती है साल के अंत में या उसकी जो सेमेस्टर होता है उसमें, तो उसमें जब वो लैब में वर्क करता है, ठीक है, जब कोई उसमें वो प्रोजेक्ट लेता है, कोई असाइनमेंट लेता है, तो इन सबको जब हम रिजल्ट बनाते हैं तो इन सबके मार्क्स को भी लिखते हैं। तो प्रोजेक्ट में टीचर भी बच्चे की हेल्प करता है, असेसमेंट जो उसका असाइनमेंट होता है उसमें टीचर हेल्प करता है, लेबोरेटरी में भी, लैब में भी टीचर के साथ मिलकर दोनों काम करते हैं। तो इस तरह का जो इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट या मूल्यांकन। इसमें इस कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में क्या क्या होना चाहिए, है ना, कि जब आप किसी की क्षमताओं या किसी की कौशल स्किल और कैपेसिटी का मूल्यांकन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या एसेंशियल क्वालिटीज, क्या इसके अंदर ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो जरूर होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा असेसमेंट माना जाएगा। तो इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, इसमें वैधता होनी चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ये वाइस फ्री होना चाहिए, बाइजनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसमें बाइजनेस नहीं होगी तो ये एक अच्छा असेसमेंट कहलाएगा। ये बच्चे के हेल्थ और जो उसको हेल्थ प्लस उसका जो भी सेफ्टी है, तो हेल्थ और सेफ्टी दोनों का भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि ये सारी चीजें देखते हुए हम असेसमेंट करते हैं कि वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, बाइजनेस नहीं हो, निष्पक्ष हो, तथा बच्चे की हेल्थ और स्वास्थ्य दोनों को भी यहाँ पे देखते हुए हम असेसमेंट करते हैं। तो इस तरह के असेसमेंट को हम कहते हैं कि ये कंपेटेंसी असेसमेंट है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है लैब में किया जाने वाला काम, क्योंकि लैब में जब आप काम करते हो तो टीचर आपके साथ मिलके काम करता है, वो आपको असिस्ट करता है, तो इसलिए लैब वर्क को हम एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मान सकते हैं। अगला है हमारा आईसीटी, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्सेज, यानी कि मैं आपका इवेल्युएशन कर रही हूँ, सपोज मैं टीचर हूँ, मैं आपका मूल्यांकन कर रही हूँ, इस मूल्यांकन को करने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, मैं यूज करती हूँ आईसीटी रिसोर्सेज, यानी कि जो आईसीटी संसाधन है उन आईसीटी संसाधनों को यूज करना किसमें, असेसमेंट में। तो असेसमेंट में जब हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना संप्रेषण और तकनीक का प्रयोग करते हैं, इन तीनों का चीजों का प्रयोग करूंगी जब मैं आपका असेसमेंट करने के लिए, तो उस तरह के असेसमेंट को हम बोलेंगे आईसीटी बेस्ड असेसमेंट। और ये भी कह सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्सेज, जिसमें टीचर प्रिपेयर करता है आईसीसी रिसोर्सेज को। कैसे हम यूज कर सकते हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें
तो इसमें हम यूज कर सकते हैं प्रिंट मीडिया का, जितने भी आपके प्रिंटेड रहता है, जैसे कोई मैगजीन है, ठीक है, कोई आपका कोई बुक है, वो सारा प्रिंट, जितना भी ऐसा मटेरियल जो कैसा है प्रिंट है, तो उसको मौद्रिक सामग्री, मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, कोई डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल मॉडल है तो मॉडल का यूज कर सकते हो। ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, इन टूल्स का हम यूज कर सकते हैं असेसमेंट में, सपोज मोबाइल के द्वारा या फिर रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, स्लाइड के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा, बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं, वो टूल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं असेसमेंट के लिए। अगला है हमारा कंप्यूटर बेस्ड, तो कंप्यूटर से रिलेटेड असेसमेंट होते हैं बहुत सारे, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम्स रहते हैं, तो इससे रिलेटेड हम इवेल्युएशन, इन सब सारी टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं इवेल्युएशन में, जो किसके बेस्ड होगा, आईसीटी के। यानी कि जब भी आप किसी कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो इस तरह की टेक को हम जब इवैल्यूएशन के में इसमें यूज करते हैं, सपोज मुझे आपका इवैल्यूएशन करना है और मैंने रिटन में आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, तो ये भी एक तरीका हो गया आईसीटी का यूज करना। इसमें मैंने क्या यूज किया, प्रिंटेड मीडिया यूज किया, मैंने आपको कोई ऑनलाइन लिंक दिया है कि इस फॉर्म को आप फिल करके या इस क्वेश्चन आंसर्स को आप आंसर करके मैं आपका इवैल्यूएशन कर सकती हूँ, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इस तरह से देयर इज नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जिसमें हम आईसीटी का यूज करके इवैल्यूएशन को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आता है हमारा, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो इसमें जिसमें हमने देखा पूरे में कि क्या होता है आईसीटी बेस्ड। हाँ, इसमें एक चीज मैं भूल रही हूँ कि जो आईसीटी बेस्ड टीचर जो प्रिपेयर्ड करता है, उसमें इसका इसका यूजफुलनेस क्या है, इसका यूजेस क्या है, और या कह सकते हैं इसकी मेरिट्स क्या है और इसकी डीमेरिट्स क्या है। आईसीटी का यूज करते हुए जब आप टूल प्रिपेयर करोगे, एक टीचर कोई टूल प्रिपेयर करता है जिसमें वो आईसीटी का यूज करता है, तो इसकी क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, या कह सकते हैं क्या लिमिटेशन है, क्या चीजें हैं जो इसको डीलिमिटेट करती हैं, या इसको इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये देखते हैं कि मेरिट्स क्या है, कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि स्टूडेंट को के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे जैसे आपका मैं असेसमेंट कर रही हूँ, आज आपके सपोज टेस्ट मैंने लिया, इसमें 8 मार्क्स आए, कल वाले में 9 आए, अगले वाले में 10 आए, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड बना के आसानी से रख सकते हैं, तो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट अपने पूरे असेसमेंट को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिसे आगे इंफॉर्मेशन को वो यूज कर सकते हैं कि पिछले वाले टेस्ट में मुझसे क्या क्या गलतियां हुई, तो मैं आगे उनको रिपीट ना करूं। टीचर्स के लिए एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टूडेंट को रिकॉर्ड रख सकते हैं और अपने नॉलेज को और बच्चों के बारे में बढ़ा सकते हैं। आगे से हम जैसे मान लीजिए आज मैंने एक टूल बना लिया, कुछ क्वेश्चंस बना लिए, आगे मैं उसी फॉर्मेट का दोबारा यूज करके अपने टाइम को बचा सकती हूँ, ठीक है। गाइडेंस देने के लिए यूज हो सकता है कि मुझे बच्चों को गाइड करना है, तो वहां भी यूज, कोई गाइड कर रहा है तो आईसीटी का, काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज होता है, तो गाइडेंस और काउंसलिंग में भी आईसीटी का यूज होता है। रिसर्च में बहुत यूज होता है, कि रिसर्च में जितने भी टूल्स होते हैं, तो वहां पे रिसर्च में आईसीटी का यूज करके आप और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। इसकी डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं, इसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं, कि पहली बात तो यह है कि आईसीटी का यूज करना बहुत महंगा है। तीनों को आप जब मिला के यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को जब आप मिला के यूज करते हैं, तो इसको यूज करना थोड़ा सा महंगा होता है, तो ये आसानी से हर बच्चे की पहुंच में नहीं होता, हर टीचर की पहुंच में नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे है कि जो पुराने टीचर्स हैं, बहुत ओल्ड एज के हैं, उन लोगों को, मतलब बहुत ओल्ड इन द सेंस जो उन्होंने, उनको टाइम हो गया है काफी, तो वो लोग क्या है कि वो इससे परिचित नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है कि उनको तकनीक का वो यूज नहीं करना चाहते हैं। और क्या है इसके लिए कि आजकल अगर टीचर, जितना भी आईसीटी यूज होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, लेकिन टीचर क्या करते हैं कि टीचिंग को टीचर सेंटर रखना चाहते हैं, तो इसलिए वो इसके प्रयोग करने से बचते हैं, तो इसलिए भी इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, अच्छी अच्छी लैब्स नहीं है, अच्छा मटेरियल नहीं है, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर इसको लेके ज्यादा
अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये है कि जो बहुत ट्रेडिशनल टाइप का मेथड है, तो कुछ लोग उस ट्रेडिशनल टाइप मेथड को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, परंपरागत पद्धति को, जैसे लेक्चर मेथड है, तो बहुत सारे टीचर्स लेक्चर मेथड को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो आज भी लेक्चर मेथड से ही पढ़ा रहे हैं। सो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, सो ये हमारा एक पार्ट सी आज कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे पार्ट डी में कि पार्ट डी क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट डी।